तो दोस्तों हम हाजिर है एक बार फिर से एक नया वीडियो लेकर जिसका शायद आप सभी लोग इंतज़ार कर रहे होंगे। आज की हमारी इस वीडियो का नाम है द फार्म, जो कि 2018 में रिलीज़ हुई थी। मूवी की IMDb रेटिंग काफ़ी कम है, लेकिन देखा जाए तो ये मूवी हॉरर और थ्रिलर लवर के लिए बहुत ही अच्छी है, और अगर आप मेरी माने तो आप सभी को ये मूवी ज़रूर देखना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं आगे वीडियो में, लेकिन अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए ताकि आपसे कोई भी वीडियोस फ्यूचर में मिस ना हो। मूवी के शुरू होने पर हम एक कपल को देखते हैं जो अपनी कार से किसी लंबी जर्नी पर जा रहे थे। वो एक ऐसे रास्ते पर थे जहाँ पर दूर दूर तक कुछ भी नहीं था। नोरा एलेक की गर्लफ्रेंड थी और वो काफ़ी लंबे समय से ट्रैवल कर रहे थे, और इस कारण से नोरा को वॉशरूम जाना था। उन्हें रास्ते में एक टाउन दिखाई देता है जहाँ पर एलेक अपनी कार को रोक देता है। वो टाउन पूरा खाली था, जहाँ पर नोरा को कुछ टूटे हुए फोन्स और कुछ सामान दिखाई देता है। लेकिन नोरा को ये नहीं पता था कि उससे कुछ ही दूरी पर एक इंसानी खोपड़ी भी पड़ी हुई है जो कि वो नहीं देख पाती। जिसके बाद वो दोनों उस खंडर पड़े टाउन से आगे बढ़ते हैं, और एलेक को ये नहीं पता था कि आखिरकार ये रास्ता जाता कहाँ है, क्योंकि उसने जल्दी पहुँचने के चक्कर में एक शॉर्टकट ले लिया था। उनकी गाड़ी का फ्यूल भी खत्म होने वाला था, लेकिन दूर दूर तक कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था। फिर फाइनली कुछ दूर चलने के बाद में उन्हें एक रेस्टोरेंट मिल जाती है जहाँ पर वो रुकते हैं और ब्रेकफास्ट करते हैं। उस रेस्टोरेंट में एक आदमी उन दोनों को घूर रहा था, और जब वे लोग वापस जाते हैं तो वो नोरा को रोक लेता है और उससे ये कहता है कि वो दोनों यहाँ पर सेफ नहीं हैं। नोरा को लगता है कि वो आदमी बेवकूफ़ है और वो उसे इग्नोर कर देती है। फिर आगे रास्ते में उन्हें एक गैस स्टेशन मिलता है जहाँ पर वो अपनी गाड़ी में फ्यूल डलवाते हैं, और गैस स्टेशन का मालिक उनसे ये कहता है कि आगे चलने पर उन्हें कुछ केबिन्स मिलेंगे जहाँ पर वो रात बिता सकते हैं। जिसके बाद में वो दोनों उस गैस स्टेशन से भी निकल जाते हैं। उनका रास्ता बहुत ही लंबा था, और ड्राइव करते करते शाम हो जाती है और एलेक भी थक जाता है। उन्हें रास्ते में वो केबिन्स मिलते हैं जहाँ पर एलेक और नोरा रुक जाते हैं। केबिन के अंदर जाने पर उन्हें एक आदमी मिलता है जो कि बहुत ही अजीब सा लग रहा था, और वो आदमी उन दोनों को उस केबिन में देखकर खुश हो जाता है। एलेक वहाँ पर उस आदमी से रूम लेने की बात करता है, लेकिन नोरा को यहाँ पर थोड़ा अजीब लग रहा था। वो आदमी उन्हें रूम दिखाता है और नोरा उसे वहाँ से जाने को कहती है, क्योंकि वो आदमी बहुत ही ज़्यादा अजीब था। फिर जल्दी ही रात हो जाती है और दोनों अपने बिस्तर पर सो जाते हैं, लेकिन हम ये देखते हैं कि उनके बिस्तर के नीचे से एक आदमी निकलकर बाहर आता है जिसने कि जानवर वाला मास्क पहन रखा था, जो कि नोरा और एलेक के बहुत ही करीब आ जाता है, और उन दोनों को इसके बारे में बिल्कुल भी पता नहीं होता क्योंकि वो तो गहरी नींद में थे, और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। फिर नोरा की जब नींद खुलती है तो वो देखती है कि सुबह हो चुकी है और वो एक पिंजरे में कैद है। जिसके बाद कुछ आदमी वहाँ पर आते हैं और नोरा को नहलाने के बाद में उसे एक कमरे में ले जाते हैं जहाँ पर वो उसके हाथ पर बांध कर उसे आर्टिफिशियल तरीके से एक इंजेक्शन के जरिए प्रेग्नेंट करते हैं, किसी दूसरे आदमी का स्पर्म उसके प्राइवेट पार्ट में डालकर। नोरा बहुत ही घबरा जाती है, उसे ये पता ही नहीं चलता कि आखिरकार यहाँ पर क्या हो रहा है, ये लोग कौन है और ये उससे क्या चाहते हैं। वे जानवरों वाला मास्क पहने आदमी फिर से नोरा को पिंजरे में डालते हैं और उसे वहाँ से कहीं पर ले जाया जाता है। नोरा रास्ते में देखती है कि उस फार्म में कई सारे लोग काम कर रहे हैं, और वो ये भी देखती है कि एक लड़की एक रस्सी से बंधी हुई है और कोई व्यक्ति एक आदमी के मास्क के टुकड़े टुकड़े कर रहा है। जिसके बाद में नोरा को एक दूसरे कमरे में डाल दिया जाता है। अब हम ये देखते हैं कि ये फार्म बहुत ही ज़्यादा बड़ा है जहाँ पर कई तरह के और भी काम होते हैं। हम यहाँ पर कई सारे छोटे छोटे पिंजरों को देखते हैं जिनमें कई सारे लोगों को रखा गया है, और एलेक भी एक पिंजरे के अंदर बंद था। तभी वहाँ पर कुछ लोग आते हैं और एक आदमी के सिर पर हथौड़ा मार देते हैं, जैसे कि जानवर को मारा जाता है। फिर वे उस आदमी को एक ट्रॉली में रखकर एक वेयरहाउस में ले जाते हैं जहाँ पर पहले से कई सारी डेड बॉडीज मौजूद थी और उनके अंगों को मशीनों से काटा जा रहा था। उस फार्म हाउस में कई सारे लोगों को बाहर से लाया जाता है एक पिंजरे में बंद करके। तभी एक मास्क वाला आदमी केबिन ओनर के पास जाता है जहाँ पर वो सभी को ये ऑर्डर देता है कि खाना जल्दी से जल्दी बन जाना चाहिए, क्योंकि ये खाना 80 लोगों को परोसा जाएगा
और ये खाना बनाया जा रहा था इंसानी मांस से। फिर तभी केबिन ओनर को किसी का फ़ोन आता है कि कोई व्यक्ति उसके वहाँ पर आने वाला है, जिसके लिए उन्हें स्पेशल फूड रेडी करना था। अब ये एक ऐसा फार्म था जहाँ पर जानवरों को नहीं बल्कि इंसानों को रखा जाता था। वो औरतों का दूध निकालकर उन्हें सप्लाई करते थे और इंसानी मांस को भी काट कर उसे कहीं पर सप्लाई किया जाता था, और ये सारा गैरकानूनी काम कस्टमर के ऑर्डर पर होता था। फिर तभी वहाँ पर वो आदमी पहुँच जाता है जिसका केबिन ओनर को फ़ोन आया था, और उस आदमी ने भी अपने चेहरे पर जानवर वाला मास्क लगाया हुआ था। उन छोटे छोटे पिंजरों में कैद औरतों में से एक औरत ऐसी भी थी जिसने अभी अभी एक बच्चे को जन्म दिया था। वे आदमी उस औरत से उसके बच्चे को छीन लेते हैं और उसका वजन करने के बाद में उसकी माँ के ही सामने उस बच्चे को मार के एक बॉक्स में पटक दिया जाता है, जिसके बाद वे सभी आदमी उस बॉक्स को लेकर वहाँ से चले जाते हैं। और वहाँ पर ऐसी ऐसी औरतें कैद थी जिनका आर्टिफिशियल तरीके से एक मशीन के द्वारा उनके ब्रेस्ट से दूध निकाला जा रहा था। फिर उनमें से एक आदमी वहीं पर रुक जाता है और गिलास में दूध लेकर सबके सामने पीने लगता है, जिसके बाद में वो आदमी एक औरत के पास जाता है जो कि उसकी इंसल्ट कर देती है, और वो गुस्से गुस्से में आकर उस औरत को मार डालता है। यहाँ पर नोरा को पता चलता है कि उसके पास वाले केज में एक और औरत है जिसकी हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। नोरा उस औरत से ये पूछने की कोशिश करती है कि आखिरकार यहाँ पर क्या चल रहा है, जिस पर वो कहती है कि ये लोग यहाँ पर उन लोगों के साथ में जानवरों जैसा व्यवहार करते हैं। यहाँ पर औरतों को कैद करके दूध देने वाली गायों के समान रखा जाता है। उन्हें आर्टिफिशियल तरीके से प्रेग्नेंट किया जाता है ताकि वो दूध देने के काबिल हो सके, और उनके बच्चों को मारकर उसके मांस को भी यहाँ से सप्लाई कर दिया जाता है। वो औरत आगे नोरा को ये बताती है कि वो यहाँ पर 2 साल से कैद है, उसे कई बार यहाँ पर प्रेग्नेंट किया गया लेकिन अब उसके शरीर में इतनी क्षमता नहीं है कि वो प्रेग्नेंट हो सके, जिसके कारण अब उसे यहाँ पर मार दिया जाएगा, और उसे इस बात की खुशी होगी कि उसे इस कैद से आज़ादी मिलेगी। उस औरत की एशली नाम की लड़की भी है और उसे भी यहाँ पर कैद करके रखा हुआ है, जिसके बाद नोरा उस औरत को ये वादा करती है कि वो उसे और उसकी बच्ची को यहाँ से छुड़वा कर ले जाएगी। फिर तभी वो कैबिन ओनर उसके आदमियों को ये ऑर्डर दे देता है कि जो औरतें दूध नहीं दे सकती उन्हें मार दिया जाए, जिसके बाद वे आदमी उस औरत के पास पहुंचते हैं जो कि नोरा के पास वाले पिंजरे में कैद थी। वे आदमी उस औरत के पास आते हैं और उसे लटकाकर उसका गला और पेट काट देते हैं, और उसके अंगों को निकालकर एक बकेट में रखते हैं और उसे वहां से ले जाते हैं। नोरा ये देखकर बहुत ही ज़्यादा घबरा जाती है, और तभी वहाँ पर एलेक भी पहुँच जाता है जैसे तैसे खुद को वहाँ से बचाकर। एलेक नोरा को उसके पिंजरे से बाहर निकालता है और वो छुपते छुपते वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन फार्म के वर्कर्स को ये बात पता चल जाती है और वो उन दोनों के पीछे पड़ जाते हैं। एलेक की हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी और वो नोरा को लेकर वहाँ से भाग रहा था, लेकिन तभी उसका पैर एक वायर में अटक जाता है जिसके कारण नोरा को एलेक को छोड़कर वहाँ से जाना पड़ता है। फिर वहाँ पर वो मास्क पहने लोग एलेक के पास आते हैं और उसका सर पत्थर से कुचलकर उसे मार डालते हैं। नोरा भागते भागते उस कमरे में पहुँच जाती है जहाँ पर आदमियों को पिंजरों में रखा जाता था। नोरा पिंजरे में बंद एक आदमी से बाहर जाने का रास्ता पूछती है। वो नोरा को ये बता देता है कि बाहर जाने वाली गाड़ियाँ और चाबियाँ कहाँ होती है। नोरा उस आदमी के बताए अनुसार जैसे तैसे गाड़ियों तक पहुँचती है, लेकिन फार्म के लोग जल्दी ही नोरा तक पहुँच जाते हैं और नोरा को वहाँ से भागना पड़ता है। ये फार्म बहुत ज़्यादा बड़ा था। नोरा भागती भागती एशली के पास पहुँच जाती है और वो उसे भी अपने साथ भगा लेती है, जिसके बाद वो दोनों भागते भागते खाली बस में पहुंचते हैं, लेकिन उसकी चाबी अंदर घर में पड़ी होती है। नोरा को उस आदमी ने बता दिया था कि गाड़ी की चाबियां कहाँ रखी जाती है, जिसके बाद वो गाड़ी की चाबियां ढूंढकर जल्दी से वापस से एशली को लेकर उस बस में चढ़ जाती है। बस में चढ़ने के तुरंत ही नोरा बस स्टार्ट करती है, लेकिन जब वो पीछे पलट कर देखती है तो पूरी बस फार्म के लोगों से भरी होती है जिन्होंने जानवरों के मास्क पहने हुए थे। एशली और नोरा इस बस में पूरी तरह से फंस चुकी थी, जिसके बाद में ये सीन यहीं पर कट हो जाता है।
फिर अगले सीन में हम ये देखते हैं कि एशली और नोरा दोनों डाइनिंग टेबल पर किसी डिश के सामान में सजी हुई है और फार्म के सभी लोग उसके आसपास खड़े हुए हैं, यानी कि जो उन्होंने इतनी मेहनत की है एशली और नोरा को पकड़ने के लिए, उसके बाद में ये उनका इनाम था। और ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको इस मूवी का एक्सप्लेनेशन कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मूवी में होता ये है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि बाकी शहर से दूर एक फार्म में रहते हैं, जहाँ पर पशुपालन नहीं बल्कि इंसानों को एनिमल जैसे ट्रीट किया जाता था। ये लोग इंसानी मांस और ब्रेस्ट मिल्क को सप्लाई किया करते थे, जिनकी मार्केट में बहुत ज़्यादा कीमत है। दोस्तों, इंसानी मांस का तो मुझे पता नहीं, लेकिन ब्रेस्ट मिल्क डार्क वेब पर बेचा और ख़रीदा ज़रूर जाता है। और इसी फार्म में फंस जाते हैं नोरा और एलेक, जो कि कहीं पर जा रहे थे और शॉर्टकट के चक्कर में फंस जाते हैं फार्म में रहने वाले लोग जानवर वाले मास्क पहना करते थे, जो कि रिप्रेजेंट करता है कि इंसान भी जानवरों के साथ इसी प्रकार से ट्रीट करते हैं। लेकिन ये क्रुएल्टी में नहीं आते, क्योंकि जानवर तो रोज़ मरते हैं और रोज़ खाए जाते हैं। आई होप कि दोस्तों आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक और कमेंट ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा, क्योंकि और भी कई सारे वीडियोस जल्दी आने वाले हैं।